और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS & SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वह हमारा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें अच्छे से समझ के याद रखना है, और उसके बाद पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, टू सिबलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम, टू सिबलिंग, टू सिबलिंग्स स्टार्ट्स फ्रॉम होम टू गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, द ब्रदर गोज 2 किलोमीटर नॉर्थ। The brother goes 2 kilometer north. Then turn right. Then turn right. Then turn right and goes 1 kilometer. And goes 1 kilometer and reaches school. And reach his school. The sister goes 3 kilometer west. The sister goes 3 kilometer west, then 5 kilometer south, then 5 kilometer south, then turn left. Then turn left and goes 4 kilometer to reach her school. And goes 4 kilometer, reach the school. School. Where is the sister school? Where is the sister school with respect to brother school? Brother school. Option दिया हुआ है 3 kilometer south, B दिया हुआ है 7 kilometer south, C दिया हुआ है 7 kilometer north, और डी दिया हुआ है 3 किलोमीटर नॉर्थ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि हमें कुछ बातों को याद रखना है। अगर कोई लाइन है वर्टिकल टॉप टू बॉटम, तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा और नीचे साउथ हो जाएगा।
राइट की ओर ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट की तरफ वेस्ट हो जाएगा, और इसके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। बीच में दो लाइन और कट कर देता है तो इसके बीच 45 डिग्री होगा, इन सब के बीच 45 45। तो ये देखिए, यह जो लाइन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा। यह लाइन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। यह लाइन साउथ और वेस्ट के बीच में है तो इसका डायरेक्शन साउथ और वेस्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्शन साउथ और ईस्ट में है तो इसका डायरेक्शन साउथ और ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, टू सिबलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम टू गो टू द स्कूल। द ब्रदर गोज 2 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न राइट। ब्रदर पहले इस पॉइंट से होम से निकला, 2 किलोमीटर या नॉर्थ चला गया, अब यह राइट एंड टर्न राइट। यहां देखिए 2 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है और देन टर्न राइट एंड गोज 1 किलोमीटर रीच हिज स्कूल। यहां से राइट टर्न किया 1 किलोमीटर और जो ब्रदर है वो अपना स्कूल पे पहुंच गया। ठीक है, एंड रीच द स्कूल। द सिस्टर गोज 3 किलोमीटर वेस्ट, यानी सिस्टर जा रही है 3 किलोमीटर वेस्ट अपने घर से, या 3 किलोमीटर वेस्ट चली गई यानी लेफ्ट की तरफ वेस्ट। देन 5 किलोमीटर साउथ, अब वो पुनः 5 किलोमीटर कहाँ चली गई, साउथ, यानी 5 किलोमीटर या साउथ चली गई या 5 किलोमीटर साउथ। देन टर्न लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर रिच। लेफ्ट का मतलब होता है जब यह नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट बोलेगा तो हम अपने लेफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो आप देखिए 3 किलोमीटर ये हो गया और 1 किलोमीटर ये हो गया, यानी एग्जैक्ट अपने भाई के स्कूल के जस्ट नीचे आ जाएगी, या उसकी सिस्टर हो गई, सिस्टर स्कूल, और ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वेयर इज द सिस्टर स्कूल, सिस्टर का स्कूल पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रदर स्कूल। तो ब्रदर का स्कूल तो ऊपर है तो यहाँ से आप डायग्राम बना दो, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सीधे साउथ की तरफ इसकी गर्ल्स का स्कूल है तो साउथ डायरेक्शन तो फिक्स हो गया। अब दूरी कितनी होगी, स्टार्टिंग से यहाँ 2 किलोमीटर, इसको यहाँ मैच कर दो, या 2 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर। तो आप देखो, तो उसके भाई के स्कूल से उसकी स्कूल की दूरी कितनी हो गई, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। और भाई के स्कूल से किस डायरेक्शन में है, साउथ की डायरेक्शन में। कहाँ पे है, हमें फाइंड आउट करना है वेयर इज़ द सिस्टर स्कूल, यानी भाई के डायरेक्शन से कहाँ है, साउथ की तरफ। कितना, 7 किलोमीटर साउथ, यानी 7 किलोमीटर साउथ, ऑप्शन बी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखिए, अ फिटनेस क्लब हैज अ फिटनेस क्लब हैज ऑर्गेनाइज्ड अ रेस द रूट गोज 4.5 किलोमीटर, द रूट गोज
4.5 किलोमीटर वेस्ट वेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इट देन टर्न नॉर्थ इट देन टर्न नॉर्थ एंड गोज 3 किलोमीटर एंड goes 3 kilometer then turn east then turn east and goes 4.5 kilometer and goes 4.5 kilometer finally he turn left Finally, he turn left and goes 1.5 kilometer and goes 1.5 kilometer to reach the end point to reach the end point where is the end point with respect to a starting point where is the end point with respect to With respect to a starting point, option A दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर north, option B दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर साउथ ऑप्शन सी दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर साउथ ऑप्शन डी दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर नॉर्थ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन बता रहा है अ फिटनेस क्लब हैज ऑर्गेनाइज अ रेस द रूट गोज 4.5 किलोमीटर वेस्ट यानी इस पॉइंट से वेस्ट जा रहा है लेफ्ट हैंड की तो यानी 4.5 किलोमीटर ठीक है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट्स इट देन टर्न नॉर्थ एंड गोज 3 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर अगेन बता रहा है देन टर्न ईस्ट एंड गोज 4.5 किलोमीटर फिर ईस्ट की तरफ जा रहा है 4.5 किलोमीटर यानी ईस्ट की तरफ 4.5 किलोमीटर इस पॉइंट से ईस्ट राइट की तरफ हो जाएगा फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड गोज 1.5 किलोमीटर पुनः यह कहाँ चला गया लेफ्ट और जा रहा है 1.5 किलोमीटर To reach the end points, where is the end points with respect to a starting points? तो देखिए यहाँ से 4.5 वेस्ट आया था 3 ऊपर चला गया यस 3 के पैरेलल हमने लाइन खींच दिया तो ये भी कितना हो गया 3। अब पुनः यहाँ से राइट टर्न का ईस्ट चला गया 4.5 यानी सेम स्टार्टिंग के ऊपर आ गया अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर लेफ्ट यानी ऊपर चला गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3 + 1 4.5 किलोमीटर अब यह स्टार्टिंग पॉइंट है
स्टार्टिंग पॉइंट और यह क्या है एंड पॉइंट। तो आप देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कहाँ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में। यहाँ पे आप एक डायरेक्शन बना दीजिए, नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी 4.5 किलोमीटर नॉर्थ, यानी 4.5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। हमें क्या करना है, हमें मेहनत करना है। और जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, वीडियो देखते रहिएगा और सोचिएगा ऐसे आराम से सिरहाने लगे हुए हैं और एकदम आप ऐसे लेटे हुए हैं बेड पे और पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे नहीं होगा। अपनी कॉपी निकालो, पेन निकालो और उस पर प्रैक्टिस करो। जब तक आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ताकत से मेहनत करेंगे और सफलता का स्वाद चखेंगे। ओके, थैंक यू।